मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे YouTube चैनल में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए तो आप मेरी वेबसाइट ankitsahu.com विजिट कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, वो लोग कॉल बैक करके आपको पूरे कोर्स की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कोर्स में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर्ड हैं। आप लोगों को BRC कैसे लेना है, आप लोगों को FIRC कैसे लेना है, पेपल का FIRC कैसे लेना है, AD कोड कैसे लेना है, AD कोड का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें कवर्ड है। प्लस इनवॉइस कैसे बनाना है, CSV5 का इनवॉइस, कमर्शियल मोड का इनवॉइस, ये कैसे बनेंगे। कमर्शियल एक्सपोर्ट में जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ट्रेनिंग में, मैं एक एक डॉक्यूमेंट फिल करके आपको बताता हूँ, वो फॉर्मेट्स में आपको शेयर भी कर देता हूँ ताकि जब आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट करें, फ्यूचर तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, जब आप ट्रेनिंग के नेक्स्ट डे से ही एक्सपोर्ट करें तो वो डॉक्यूमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप eBay पे कैसे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। eBay पे अगर आप ऑलरेडी Amazon पे सेलिंग कर रहे हैं या Etsy में कर रहे हैं तो eBay में थोड़ा सा जो एडवर्टाइजमेंट का है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आइए आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। पहले मैं आपको eBay पे या eBay के ही पेज से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे लिस्टिंग्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्हें एक वीडियो बताया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा और देखिए यहाँ पे की बेनिफिट्स बताए हैं कि eBay पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपकी विजिबिलिटी जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है इन्हें, योर आइटम आर मोर लाइकली टू सेल व्हेन मोर पीपल सी देम। तो जितने ज्यादा इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी उतने ज्यादा आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना अप टू 36% तक eBay जो है एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स को इंक्रीज कर देगा। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है eBay में एडवर्टाइजमेंट रन करने का, जैसे अगर मैं Amazon की बात करूँ तो Amazon में क्या होता है, आपको मंथली एडवर्टाइजमेंट रन करनी होती है, पर क्लिक कॉस्ट आपको देना होता है। पर क्लिक का मतलब होता है कि अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो चार्ज हो जाता है, अपने जो भी पर क्लिक डाला हुआ है वो चार्ज हो जाता है। बट eBay में ऐसा नहीं है, eBay में आपको तभी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जब आपके पास ऑर्डर आएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका कुछ भी पैसा या बजट वेस्ट नहीं होता है। अगर ऑर्डर आएगा तभी आपको एडवर्टाइजमेंट फी जो है वो पे करनी पड़ेगी, ऑर्डर नहीं आएगा तो कोई एडवर्टाइजमेंट फी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी बहुत सही है eBay में जो है ये एडवर्टाइजमेंट, तो आप बिल्कुल रन करिए, ऑर्डर आएगा तो उसका आपको परसेंटेज देना पड़ता है। तो आगे मैं और डिटेल में बताता हूँ आपको। eBay सजेशन भी देता है आपको कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको प्रमोट करने हैं तो उन प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है तो आप देख पाएंगे कौन से प्रोडक्ट्स को eBay बोल रहा है जहाँ पे सर्च आ रहा है या फिर कस्टमर उन प्रोडक्ट्स के लिए सर्च ज़्यादा कर रहे हैं तो eBay आपको सजेस्ट करेगा, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिटेल रिपोर्टिंग, यहाँ पे आप डिटेल रिपोर्ट देख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट एक एडवर्टाइजमेंट रन करके बताता हूँ। एक प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपको जाना है, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग ओपन करेंगे, वहां पे आपको रिवाइज आइटम पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रिवाइज आइटम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज आपके सामने ओपन होगा। तो ये एक लेदर डायरी है ये प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे देखिए, आप नीचे आएंगे तो देखिए सेल इट फास्टर यहाँ लिखा हुआ है, प्रमोटेड लिस्टिंग। तो यहाँ पे बूस्ट योर आइटम विजिबिलिटी विद प्रीमियम प्लेसमेंट ऑन eBay एंड पे ओनली इफ योर आइटम सेल, ये लिखा हुआ है। अभी जो मैं पेज दिखा रहा था आपको, ये लर्न मोर से ही जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको टिक कर दूंगा, जैसे मैं टिक करता हूँ तो यहाँ पे एड रेट आपको सेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है कि आपका अगर ये जो परसेंटेज आप यहाँ पे जो सेट करेंगे और अगर ऑर्डर आता है तो उतना परसेंटेज आपको जो ऑर्डर प्राइस का परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल आपका $30 आपका ऑर्डर का सेलिंग प्राइस है, सो $30 आपका सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे मैं एड रेट जो है वो 10% कर देता हूँ। तो अगर मैं 10% रखता हूँ तो $30 का 10% यहाँ पे कुछ एडिशनल फी को ऐड करके $3.41 मुझे पे करना पड़ेगा। मतलब मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं अपने सेलिंग प्राइस का 10% जो है वो यहाँ पे करूंगा eBay को अगर मेरे पास ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे ये चीज है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं आप सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट eBay को पे करेंगे अगर आपके पास ऑर्डर आता है। तो जितना ज्यादा परसेंट आप यहाँ पे डालेंगे उतनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट की जो है विजिबिलिटी वो eBay में इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये सजेशन भी दे रहा है कि एटलीस्ट आपका 6% से ऊपर आप यहाँ पे रखना है। तो मान लीजिए अगर मेरा $100 सेलिंग प्राइस है और अगर मैं यहाँ 25% करता हूँ इसको, तो मेरा $25 जो है वो एज अ एडवर्टाइजमेंट फी डिडक्ट होगा एक सिंगल ऑर्डर अगर आता है। तो ये मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, आप यहाँ पे 10% 5% एटलीस्ट रख सकते हैं जो ये सजेशन ही पे दे रहा है। एटलीस्ट उससे ऊपर, जैसे यहाँ 6% दे रहा है तो मैं 7% से ऊपर कुछ रख सकता हूँ। और इसमें एड रेट में ये आपको बता रहा है कि अगर देखिए आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं और बायर ने आपकी एडवर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक किया
बट उस टाइम उसने परचेज नहीं किया, बट विद इन 30 डेज अगर वो परचेस करता है उस केस में भी आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो क्योंकि बायर ने फर्स्ट टाइम जो आपका विजिट किया था वो विद एडवर्टाइजमेंट ही किया था, तो इसलिए आपको एडवर्टाइजमेंट फी उसमें भी चार्ज होगी अगर आपने एडवर्टाइजमेंट रन करी थी और 30 डेज के अंदर बायर क्लिक कर चुका है। अब क्लिक करने के बाद परचेज जो कर रहा है वो 10 दिन 15 दिन बाद कर रहा है, यानी विद इन 30 डेज करता है, तो आप लाइबल होंगे एडवर्टाइजमेंट फी पे करने के लिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 10% सेट किया हुआ है, मैं इसको ज्यादा भी सेट कर सकता हूँ। तो मैंने अगर 20 किया, यहाँ से आप इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 किया तो $6.87 जो है मुझे एडवर्टाइजमेंट फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऊपर चल के हम एक बार इसका सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, तो ये $34 जो है इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे मैं अगर 20% डाल रहा हूँ तो $34 का 20% यहाँ पे आ रहा है कि मुझे 20% मैं ऑलमोस्ट $6.87 पे करूंगा अगर ये ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे ईबे का जो कमीशन है फॉर एग्जाम्पल 15% है वो सब कुछ डिडक्ट होगा और ये एडिशनल जो है $6.87 ये एडवर्टाइजमेंट फी डिडक्ट होगी। तो आप इसको रन करिए, जैसे ही आप रन करते हैं तो आपके पास ऑर्डर्स काफी अच्छे आते हैं, तो आप अपना मार्जिन अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बजट सेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट लिस्टिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं अपडेट लिस्टिंग करूंगा तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।